ट्राई करेंगे अयोध्या का गाजर का हलवा कैसा लगता है। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज है डे टू और अब हम स्टेशन पे हैं और हम अभी निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। तो हमारे डे टू ऑफ बनारस में हम पहले अयोध्या जाएंगे और अयोध्या दर्शन के बाद फिर वापस बनारस आएंगे। तो चलते हैं दौड़ते क्योंकि हमारा ट्रेन ऑलरेडी आ चुका है। लेट्स कैच द ट्रेन। बारह पंद्रह हो चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ अयोध्या स्टेशन पे और रामलला का दर्शन करने के लिए। और अभी भी देखो यहाँ पे ना अभी भी धूप नहीं आए, इतना कोहरा ही कोहरा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड भी हो रही है, भयंकर ठंड हो रही है। हाय मम्मा। तो चलते हैं अब रामलला का दर्शन करते हैं, देखते कि अगर फ़ोन अंदर अलाउड होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से दर्शन भी करवाऊँगी, अगर अलाउड नहीं होगा तो हम लॉकअप पे रख के जाएंगे। पर ये है अयोध्या का स्टेशन और अभी भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखा है, बहुत ज़्यादा। जैसे सुबह का 6 बजे होता है वैसे ही अभी भी 12-15 में भी इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है। जैसे ही हम स्टेशन से उतरे तो हमें इतनी जोरों की भूख ना, क्योंकि हम सुबह 4 बजे से उठ गए थे और ट्रेन पकड़ने के चक्कर में हम कुछ खाना भी नहीं खाए थे। तो आते ही इधर भंडारा लगा हुआ था, पहले तो हलवा मिला, वो हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, उसको तो मैं कैप्चर नहीं करता क्योंकि वो मेरे पेट में चला गया। अभी ये गरम गरम चाय है, ये चाय पीते हैं, एकदम मस्त है यार। राम जी की सच में कृपा है क्योंकि हम सुबह से नहीं खाए थे, शायद से यही राम जी की मतलब इच्छा थी जो कि हम इधर आके पहले खाना खाने को मिल गया, वो भी फ्री में, भंडारा लगा हुआ है। जय श्री राम। सच में राम जी की तो कृपा ज़रूर है क्योंकि ना मामा मामी या तो फिर मेरी जो मौसी या मौसा कोई भी नहीं खाना खाए थे यार, यहाँ पे आके गरम गरम चाय भी मिल गया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था और हलवा भी मिल गया, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। अयोध्या में जैसे स्टेशन से उतरे इतना अच्छा खाना मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब दर्शन के लिए चलते हैं। लला का दर्शन हो चुका है पर एक चीज़ का मतलब मन पे अफसोस रह गया है कि हम लोग वीडियो नहीं बना पाए ना ही फ़ोटो उठा पाए, क्योंकि अभी नया नया खुला है तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, हमें लॉकर में फ़ोन बैग चप्पल जूते सब कुछ रख के जाना पड़ा। पर एक चीज़ का सबूत है कि ये प्रसाद जो भी हो रामलला का जैसे दर्शन हो गया। और जब गेट से एकदम मंदिर तक जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, पूरा एकदम मतलब एनवायरनमेंट राममय होता है, हर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, तो वही बात एक बहुत अच्छी लगती है। और भगवान जी का भी दर्शन हो गया, चलो चलते हैं अभी हनुमान गली जाएंगे नेक्स्ट। फ्लैग ही लगा हुआ है हनुमान जी का नहीं तो राम जी का, पूरा एकदम रियल वाला फीलिंग आ रहा है, जो हम लोग फोन और टीवी पे देख रहे थे ना वही सेम चीज। इतना लंबा लाइन, बाप रे, वो भी हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए। मुझे लगता है आज हम लोग का बहुत ही अच्छा भाग्य है क्योंकि हमें हर जगह पे भंडारा मिल रहा है। अभी हम लोग को मिल चुका है पुलाव। A few moments later. अब ट्राई करेंगे अयोध्या का गाजर का हलवा कैसा लगता है। गंगा घाट है वो है सरोजनी गंगा घाट। माना जाता है कि जब राम जी वनवास गए थे तो वो ये सरोजनी गंगा घाट को
पार्क क्रॉस करके गए थे, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक भी चुके और हर जगह पे भंडारा भी खा खा के आ रहे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इधर अयोध्या में आके हमको ऐसा कुछ फील होगा, मतलब हर जगह पे खाना ही खाना, भंडारा लगा होता, कभी चाय नाश्ता, कभी पुलाव, कभी हलवा, कभी खिचड़ी, कभी कुछ, कभी दाल चावल, आलू की सब्ज़ी और चावल, बहुत ही मस्त है यार। राम राम, सच में भगवान जी का बहुत कृपा है। सो श्यावर रामचंद्र की जय। घड़ी पे तो दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो हम बाहर से बस दर्शन करके आगे फिर सरोजिनी घाट भी गए थे। और अभी शाम के टाइम पे देखिए यहाँ पे तो पूरी से, मतलब हमारे ओडिशा पे पूरी से जैसे भीड़ होता है ना, पूरी से बढ़ के भीड़ है यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ है। बापरे, स्पेशली हनुमान मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, राम मंदिर में भी होगी। और शाम के टाइम पे इसका नज़ारा देखना ना बहुत ही अलग है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप कभी भी अयोध्या आए तो शाम का टाइम का ज़रूर एंजॉय करना उनका उसका पूरा स्ट्रेस, क्योंकि ये जब लाइट चलती है ना तो उसका सुंदरता और भी बढ़ जाता है। अब चलते कहाँ नेक्स्ट आएंगे, मैं आपको अपडेट देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी। ये था हमारा रात का भंडारा जहाँ पे हमें मिला था दाल चावल पूड़ी और एक सब्जी। आज इतनी बार मैं भंडारे के बारे में बोल चुकी हूँ कि मुझे और बोलने की ज़रूरत नहीं, बस राम जी की कृपा थी कि हम जिस दिन आए उस दिन हमें पूरा दिन भर भंडारा मिलता गया और हम खाते गए, बहुत ही राम जी की कृपा है। और अभी रात का खाना भी हम खा ले हैं, अब ट्रेन लेंगे सीधा वाराणसी अयोध्या से वाराणसी तक और जाएंगे फिर से वाराणसी में। तो ये है वो नया रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, मतलब है कंप्लीट हो चुका है, बस बहुत ही अच्छा है एयरपोर्ट के लिए से। चलिए मैं आपको इसका टूर देती हूँ। रात को हम जब आए थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हम सुबह का 4:30 बजे पहुँचे और इतने ज़्यादा टायर्ड भी थे तो मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। आज सुबह ब्लॉग एंड करी और थोड़ी देर के बाद फिर से मैं ब्लॉग स्टार्ट भी करूँगी आज का। तो आई होप जस्ट मे भी ब्लॉगिंग करने के लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो मे भी मेरा ब्लॉग परफेक्ट नहीं होगा पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए कैसा लगा या मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और मुझे कौन सा प्लेसेस और विजिट करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, टिल देन गुड बाय।